बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले जी। वो कहते हैं ना, कट जाएगा ये वक्त भी, परेशानी की क्या बात है, बाबा जी की मेहर के आगे गमों की क्या औकात है। मैं आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जिससे आपको गर्व महसूस होगा कि हम उस मालिक के बच्चे हैं जिसके आगे सारी नेगेटिव ताकतें फेल हैं। तो ये प्यारी सी घटना ये है, अब्दाली नाम तो आपने सुना ही होगा, हुकूमत का उस वक्त का वो मालिक था। उसने जब सुना कि थोड़े से सिख भी पूरी मुगल सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर देते हैं, तो उसने आर्टिस्ट को बुलाया। उस वक्त के आर्टिस्ट वो होते थे जो नाटक मंडली में काम करते थे। तो जब अब्दाली ने कुछ आर्टिस्ट को बुलाया और उनसे कहा, मुझे बताओ ये सिख लोग लड़ते कैसे हैं, वो सब करके दिखाओ, उनकी लड़ाई का स्टाइल देखना होगा, और आर्टिस्ट तो होते ही इसलिए हैं कि हूबहू उसी स्टाइल में करके दिखा देते हैं। तो अब्दाली ने उन 40-50 आर्टिस्ट से कहा कि मुझे सिख बनकर बताओ कि सिख लड़ते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, वो सब करके दिखाओ, और सिखों की तरह युद्ध भी करके दिखाओ हमारे सैनिकों के साथ, मुझे पता तो चले कि सिख होते कैसे हैं। सुना है कि कुछ लोग आते हैं और सैकड़ों को मार कर चले जाते हैं, और अब्दाली का ये काम था कि वो दिन में जाकर गांव को लूटता और उनकी बहू बेटियों को उठाकर बंदी बनाकर ले आता था। और सिख क्या करते थे, क्योंकि सिख थोड़े होते थे और अब्दाली की सेना लाखों में, तो सिख रात का इंतजार करते थे और रात के वक्त हमला करते थे, क्योंकि मुगल सेना रात के वक्त शराब पीकर मदमस्त हो जाती थी। तो रात के वक्त सिख उन पर हमला करके अब्दाली की सेना को मारकर सबको बहू बेटियों को छुड़ा ले जाते थे, क्योंकि अब्दाली की सेना चिल्लाती थी कि 12 बज गए 12 बज गए। कहने का मतलब ये है कि रात के 12 बजे सिख आ गए और वो अब हमें मार ही डालेंगे। वो आते थे हिंदू बहू बेटियों को छुड़ाने, क्यों आते थे सिख, अपने लिए नहीं आते थे, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत बचाने आते थे। तो घटना के अनुसार अब्दाली ने कहा, मुझे करके दिखाओ कि सिख कैसे करते हैं, किस तरह से रहते हैं, कैसे लड़ते हैं। तो आर्टिस्ट ने सिखों का भेष धारण किया और उसी तरह से बातें करने लगे, उनकी तरह ही चलने लगे। आर्टिस्ट जो ठहरे, अब अब्दाली कहने लगा, ठीक है अब सिखों की तरह युद्ध करके दिखाओ। तो आर्टिस्ट बोले, सिख युद्ध से पहले अरदास किया करते हैं। तो अब्दाली कहने लगा, करो अरदास। तो ये 40-50 आर्टिस्ट थे और इन्होंने अरदास की सिखों के जैसे खड़े होके। अरदास करते हुए बोले, जैसा सिख अरदास करते हैं, अरदास में ही बोले कि युद्ध करने जा रहे हैं, गुरु महाराज जी हमारी फतेह हो, हमारा एक एक सैनिक सैकड़ों को काटे, डरे नहीं। और यह अरदास करके युद्ध शुरू कर दिया और उन्होंने सचमुच अब्दाली की सेना को खत्म कर दिया। वाह मेरे सतगुरु, अब्दाली चिल्लाता रह गया, बस करो बस करो, हो गया मैं समझ गया हूँ, पर कोई नहीं रुका और वो मारते रहे। आखिर में जब ये नजारा खत्म हुआ तो अब्दाली बोला, तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हें कहा था नाटक करके दिखाओ और तुमने हजारों मेरे आदमी मार दिए। तो आर्टिस्ट बोले, पता नहीं क्या हुआ, जब अरदास की तो मन जुड़ गया था, अरदास में कौन सी शक्ति वर्ती वो ही जाने, एक दिखावे के लिए अरदास की और उनका मन जुड़ गया। अरदास की ताकत देखो कि करनी में आ जाती है। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, ये जो अरदास में ताकत होती है ये इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से अरदास की जाए तो कायनात भी उसे पूरा करने में जुट जाती है। तो यहाँ तो उस सच्चे पिता उस परमात्मा के सामने अरदास है, तो पिता क्या सुनेगा नहीं अपने बच्चों की। सच्चे मन से अरदास करके तो देखो, मालिक से मालिक को मांगो, वो तो पूरी कायनात का सृजनहार है, पूरी कायनात के मालिक। हम बच्चों के सामने यूं ही आ जाते हैं तो सोचो कितनी ताकत होगी हमारी अरदास में कि बाबा जी ने सबके मन की जान ली। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में अगर कोई बहुत ही परेशानी या मुसीबत से गुजर रहा हो तो यह सुनकर उसको बाबा जी पर विश्वास और दृढ़ हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।